चलिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम जानते हैं, एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, अब आ जाइए, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ऐसा यूनिट हो जाएगा और टाइम का सेकंड में ऐसा यूनिट, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया एल बटे टी। तो अब लीनियर में लिख सकते हैं एल टी टू दी पावर माइनस वन, और मीटर पर सेकेंड, एक प्रकार का मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट हो गया वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, और एक्सीलरेशन क्या क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया, और वर्क का ऐसा यूनिट के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आप सबका डायमेंशन फार्मूला आप लिख लीजिए, ऐसा यूनिट में जो भी वेरिएबल है उसका डायमेंशन लिख लीजिए, तो हर किसी का डायमेंशन निकल जाता है। तो जैसे कि वर्क का डायमेंशन निकल गया एम एल स्क्वायर टू दी पावर माइनस टू, के जी के लिए एम, एम स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और एस स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर। चूँकि हम जानते भी हैं कि मास का सही यूनिट के जी होता है, ठीक, के जी होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है वह एम होता है मास के लिए। ठीक, और ये हो गया आपका लेंथ या डिस्प्लेसमेंट कहिए, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, लंबाई इसका ऐसा यूनिट सॉरी मीटर में होगा, मीटर, और डायमेंशन हो गया एल। इसी प्रकार यह हुई आपका टाइम, टाइम का तो सेकेंड में मेजर करते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला हो गया टी। तो सब जहाँ जहाँ पर मास, लेंथ और टाइम है उस जगह पे इसका डायमेंशन है। आप देख सकते हैं सभी फार्मूला में एसआई यूनिट के बदले में आप वहाँ पे डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा।